गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और ये रही आपके सामने मेरी बीस्ट, काफी साफ सुथरी लग रही है देखने में। तो आज बहुत फाइनली हमारे राइडर दोस्तों के साथ राइड होने वाली है दोबारा से, तो चलते हैं। काफ़ी दिन हो गया, दिवाली के बाद से एक हफ्ता हो गया बीत गया, हम लोग ने राइड नहीं करी अभी तक का। ब्लॉग तो आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं बट राइडिंग ब्लॉग्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट से आज की राइड शुरू करते हैं गाइज। सो गाइज बहुत दिनों बाद अपने मोटर ब्लॉग सेटअप पर आ चुके हैं एंड अगेन्स हमारी एक राइड दोबारा से शुरू हो चुकी है। सो काफ़ी दिनों बाद हाथ में बाइक आई है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आज हमें भरपूर रिएक्शन मिलने वाले हैं एंड अपने राइडर्स जितने आशुतोष भाई हो गया ड्यूक, और आज हमारे साथ वो नहीं रहने वाला। ये देखो बंदा भाई, बंदे को देखो यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। मतलब मेरे को देख के ना पता नहीं क्या हो जाता बंदों को, एकदम से लहराने लगते हैं आमने सामने। चलो खैर कुछ नहीं, अभी तो निकाला ही नहीं था, शुरू भी नहीं किया ब्लॉग, कंटेंट पहले से ही मिल रहा है। वाह यार क्या बात है, दिन ऐसा बीतना चाहिए। तो गाइस आज आशुतोष आने वाला है, आशुतोष के साथ एक बंदा और आने वाला है, उसने हाल ही में एक अर्बन 5 ली है, नई वाली है, V4 है V5 है कौन सी याद नहीं मेरे को। तो आज उसने वो गाड़ी निकाली हुई है, तो बहुत दिनों से वो बंदा भी बोल रहा था कि यार भाई हम लोग के साथ आपके साथ राइड करने का मन है, तो हमने कहा कर लेते हैं, तो बस चलते हैं। तो आज वो बंदा भी आने वाला है, आज हमारे साथ अंकुश नहीं रहेगा क्योंकि अंकुश गया कहीं बाहर, सुल्तानपुर में रहता है अंकुश, तो वो गया बाहर कहीं, तो उसको तो भाई लग जाएगा टाइम, तो मुझे नहीं लगता वो कब तक आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं अभी। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से गंगा बैराज की तरफ, आज की राइड गंगा बैराज की है गाइस। अभी आज ट्यूलअप भी कराना है, बहुत कम हो गया पेट्रोल। भाई साहब अभी मेरे ऊपर से जस्ट फाइटर जेट निकला गाइस, क्या आवाज़ है यार, एक फाइटर जेट ऊपर चल रहा है और एक फाइटर जेट नीचे चल रहा है गाइस। सो बहुत दिनों बाद श्याम नगर में अपना हाथ साफ कर रहा हूँ, तो मज़ा इतना आ रहा है क्या बताओ भाई, इतने दिनों बाद इतनी रश राइड होने वाली ना आज। खैर मज़ा तो आएगा ही बट वही है ना, काफ़ी रिएक्शन मिल रहा देखने को। तो आज भाई श्याम नगर में हाथ साफ करूंगा बहुत तगड़ा वाला, पेट्रोल भराना है फ्यूल अप का मैं मेरे पास, तो मज़ा आ रहा है भाई आज भगाने में, इतने दिनों बाद गाड़ी निकाली है तो हाथ भाई हो रहे भाई यार, लेत दो बस, हाथ कह रहे रेत दो बस गाड़ी भाई, खतरनाक तरीके से। बट यहाँ पर यार भाई है ना, यहाँ पर चल नहीं सकते ऐसे, बीच में बहुत से लोग आ जाते हैं एकदम से। रिएक्शन तो देखो भाई, गाड़ी निकलेगी तो रिएक्शन तो आनी है, अपन के तो वैसे भी रिएक्शन आती है। हाय हाय, चलो गाइस अपनी बीस्ट पे पहले सबसे ज़्यादा फ्यूल अप करवानी है, फ्यूल नहीं है बिल्कुल, खाली है तो फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद चलते हैं मिलेंगे आपसे आगे। तो यार भाई लोग आ चुके हैं अपनी मेन रोड पे, और ये बंदे देख सकते हो बिना हेलमेट के स्कूटी भगा रहे हैं, वो भी आ रही तिरछी चला रहे हैं, बहुत ही गंदी चला रहे थे, मतलब इससे पहले तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वरना बहुत गंदी चला रहे थे भाई। सही है, अभी चलते हैं यहाँ से, मुझे लगभग 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, 20 से 25 मिनट लग ही जाएगा, तो वो लोग वहाँ पर गंगा बैराज पे ही वेट करेंगे। सो गाइस इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दिवाली मेरी तो बहुत ही सही गई, मज़ा भी आया, और मेरा अभी गाइस प्लान बन रहा है बनारस जाने को, तो हम कल निकलने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ बनारस के लिए। तो बनारस में बाइक से नहीं जा रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, बाइक से हम लोग नहीं जा रहे इस बार, हमारा प्लान ट्रेन से जाने का है, तो जर्नी में मज़ा आने वाला है, उसके व्लॉग भी आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर, तो वो भी देखना मज़े करना। फिर जो बनारस के बाद की जितनी भी ट्रिप होंगी ना गाइस, वो मैं अपनी बाइक से ही करने वाला हूँ, चिंता ना करो। इसके बाद हम लोग नैनीताल जाएंगे, नैनीताल के बाद हम लोग एक दो जगह और जाएंगे, आप लोग मुझे रिकमेंड करना मैं अपनी बाइक को लेके कहाँ पर आऊँ, तो मैं उधर आऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो गाइस बहुत जल्दी ट्रिप्स चालू होने वाली हैं, तो अपने भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, और तुम्हारा भाई इसी तरीके से आगे बढ़ पाए तो उसके लिए दुआ भी करो। जूडियो जूडियो कहाँ है भाई, जूडियो थोड़ी ना यहाँ पर गंगा बैराज वाला चौराहा। अबे वो तो तिराहा है ना, चौराहा क्या है वो। हाँ सॉरी 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 सॉरी, तेरा सही बोला, वहीं तो खड़ा हूँ, तुम दिख कहाँ रहे। अबे रुको फिर ना, रुको एक मिनट आगे आ रहा हूँ। तो भाई यहाँ खड़ा था तब से,
और दिख ही नहीं रहा था भाई मैं उधर खड़ा, तुम यहाँ खड़े थे, हम तब से वहाँ खड़े थे। हमें भाई मैं इधर खड़ा था, तुम इधर खड़े थे, तभी मैंने कहा एम्बुलेंस जा रही थी, वो सेम आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा सब बगल कहीं अगल ही बगल खड़े हैं तो दिख ही नहीं वहाँ से हमको भाई, सामने से मुझे लगा दिखेगा। और वो बंदा कहाँ है? चलो कोई नहीं, चलो सुनो थोड़ा आराम से चलना, छठ पूजा है तो भीड़ चल रही है। कहाँ? गंगा विराज में। तो इधर वो बंदा आएगा कि नहीं? वो आगे वो ट्रांस गंगा सेतु साइड पे है। अच्छा वो पहुँच गया वहाँ, चलो फिर चलो। और हाँ सुनो, रिएक्शन देने के लिए जहाँ बने तो थ्रॉटल, ठीक है ठीक है, बस पुलिस भी ना लगी हो भाई यहाँ। रोकना नहीं, रोकेंगे भाई, तो दिक्कत भीड़ में ना गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ये देखेंगे हो जाएगा। अच्छा होटल देना हो भाई, रिएक्शन चेक करो गाइस, बच्चों के रिएक्शन अब तगड़े आने वाले, ट्रैक पे तो साउंड एकदम अलग आता है भाई का, समझ लो भाई। ये चेक करो गाइस, ओह क्या लीन है, चेक करो गाइस तुम बस। लीन चेक करो गाइस, बस पुलिस का चक्कर फंसता है यहाँ पर। चेक करो गाइस, बहुत भीड़ है भाई। चेक करो गाइस, रिएक्शन चेक करो भाई, बंदो लोगों का तमाम रिएक्शन आ रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आज छठ पूजा वगैरह है कुछ गाइस, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ और जाम हो रहा है यहाँ पर। चेक करो गाइस, अमेजिंग रिएक्शन लेते हैं, बगल बगल से कोई भी रोड क्रॉस कर जाता है। ट्रैक पे चला रहा हूँ बहुत दिनों बाद, पेट्रोल जाएगा तो आप जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं, वैसे इतनी कंजूसी भी करना सही बात नहीं है, बट वही है कि यहाँ ये चेक करो, ये चेक करो भाई, सामने गाय, आराम से चलना पड़ेगा। कुछ पड़ा था विमान, पता नहीं किस पे मैंने पैर रख दिया गाइस, वो कुछ गंदा सा था वहां पर, तभी बच्चों को रिएक्शन लेंगे यहाँ पर, देखना मजा आएगी। तो यार ऐसे करना तो नहीं चाहिए, अभी क्लच प्लेट फूकी थी, दोबारा फूक जाएगी, 7000 का फटका लगा था गाइस एक क्लच प्लेट बदलवाने में, RR 310 की, वो भी पुरानी वर्जन की है, इसका BMW मॉडल का तो भैया तुम लोग जाओगे तो 15-20 हज़ार रुपये के लग जाएगा सिर्फ क्लच प्लेट का, मतलब इतना महंगी गाड़ी है गाइस, मतलब इतने मतलब स्पोर्ट्स बाइक में मतलब सबसे खर्चीली गाड़ी है ये चेक करो गाइस। आज ये बंदा सोच रहा है कि ये भाई मेरा बराबर चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने ट्रैक पर लगा रखी भाई, अरे रोड कितनी गंदी है, ये बहुत गंदी रोड है, हाँ छोड़ना बेकार है। चेक गाइस, ओ भाई खतरनाक, ओ भाई मैं अभी निकल लेता गाइस, गलत हो गया था सीन, गियर डाउन करना भूल गया मैं अभी फसल गया सीधा आगे चला जाता। तो गाइस तगड़ी रेस लग चुकी है,
पावर गाइस, फुल पावर ओपी भाई। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, सस्पेंशन बैठ जाएगा सस्पेंशन बैठ जाएगा गाइस मेरा। ओ भाई आराम से, ओ भाई टल्ट वाली गाड़ी बना दी यार इसने तो अबे यार बहुत तगड़ा है भाई, फिसल रही है भाई। ओ भाई 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 फिसल रहा था भाई इसमें। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, ओ भाई ये देखो भाई, बंदा बस फिसले ना। ये देखो गाइस ड्यूक बनी है भाई एडवेंचर के लिए। ओ भाई खतरनाक खतरनाक सीन है गाइस। अभी खरीदी है? हां ओ भाई, हां भाई धनतेरस को निकलवाई थी। हां अच्छा, नंबर प्लेट भी नहीं है। बढ़िया भाई, कौन सी है ये? V4 है, वी कौन सी है? V4 है ना, सही लग रही है। पर भाई देखने में ऐसी सही लगती है गाड़ी, जो भी है यहाँ से पूरा तक कवर रहता है तो ऐसा लगता नहीं है कि R15 होगी, V4 होगी, या दूर से देखो R11 लगती है, M लगती है भाई। जाती होगी 140 तक का तो जाती होगी। तो अभी कुछ अपने भाई लोग आए हुए हैं तो इन्हीं के साथ आज हम लोग राइड प्लान कर रहे हैं। ओ भाई चेक करो, मेरे आगे ही मार रहा बंदा भाई बिल्कुल। तो गाइस जमीन जा रहे फ्लाईओवर मारने। तो अपना स्लोक भाई मारने वाला है फ्लाई भाई। Let's record it. सीन चेक करो, अपने पास R310 ड्यूक इंक्लूडर, R15 जो नहीं आई है, एक R15 जो पुराना मॉडल है, बाकी अभी फिलहाल आज के राइड पे यही कुछ है। तो अभी हम लोग 2-3 वगैरह रील वगैरह शूट कर रहे हैं, थोड़ी एरिया थोड़ा खाली एरिया है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं। और ये देखो भाई कौन मिला हम लोग को, इधर आओ आओ, इधर जाते भाई, देखो डर के भाग रहा है। अच्छा मैं समझा अब, अरे काम करो, समझ गया समझ गया, मतलब एक के पीछे एक चलना है ना। तो बढ़िया, तो एक काम करो यहाँ से करते हैं, तुम दोनों रेस लगा दिया ठीक है, ये शॉट रख लेना, पर ये शॉट रख लेंगे उसमें हो सकता है अच्छा कुछ निकल जाए, काफी दूर से निकल गया R15 वाले। तो भाई बहुत सही निकला, दिखा दिखा दिखा, ये वाह बढ़िया था वैसे, बहुत तगड़ा था। ये चेक करो भाई, आशुतोष जा रहा R15 नई वाली, नई बाइक हाथ में रख दी इसके। यहाँ गर्म बहुत होती है ना, इधर से हीट निकलती है, बस बंद है एरिया पूरा इसका। तो यहाँ पर आए थे भाई लोग अपना स्टंट स्टंट करने, नई प्लेस है तो काफ़ी सही जगह थी, हम लोग ने बहुत सारे स्टंट करे और आशुतोष ने भी बहुत सारे स्टंट करे। बाकी यहाँ पर पब्लिक देख सकते हो तुम लोग, कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो गए रिएक्शन लेने के लिए। बहुत सारी मैंने यहाँ पर वीली भी मारी थी, आपको वो शॉर्ट्स दिख जाएंगे, और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले। बाकी भाई ये जगह देखो भाई, बहुत सही जगह है ये सब करने के लिए। सो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, शुक्रिया, जैन मने मातरम गाइस, थैंक यू।
हूँ।